कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप सभी का आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं आपके साथ हूँ उषिता नथानी। आज हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद हैं। यहाँ पर परेड ग्राउंड में एक मेरे पीछे आप देख सकते हैं इतना बड़ा धरना दिया गया है और ये धरना उत्तराखंड अधिकारी के कर्मचारियों द्वारा दिया गया है। 2017 से ये कर्मचारी अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं लेकिन बार बार सरकार इनको अनदेखा कर दे रही है। तो चलिए इन्हीं से बात करते हैं कि इनकी मांगे क्या है। तो सर, आप 2017 से अपनी मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं, सरकार आ रही है जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि इतनी सरकारें बदलने के बाद भी आप लोगों को क्यों अपना हक नहीं मिल पा रहा है? असल में आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। सरकारों के जो लिस्ट है ना, उसमें कर्मचारी सबसे निचले स्तर पे हैं। उनकी जो प्रायोरिटीज हैं उसमें कहीं कर्मचारी नहीं है। कर्मचारियों के लिए उनके पास कुछ नहीं है सिवाय उनको दंड देने के लिए, उनसे काम लेने के लिए। और कोई उनके पास यदि कहीं कर्मचारी अपनी किसी डिमांड को लेकर के जाता है तो कहते हैं खर्चा बहुत हो रहा है। आपने देखा होगा, आप लोग मीडिया से हैं कि जब कभी राजनीतिक दलों को, इन विधायकों को, मंत्रियों को, इन अधिकारियों को जो IAS कहे जाते हैं, PCS कहे जाते हैं, इनको अपनी सुविधाएँ बढ़ानी होती हैं या उनकी बात की जानी होती है तो उसमें कहीं कोई खर्चे की बात नहीं आती है, वो तत्काल लागू कर लिया जाता है। लेकिन कर्मचारियों के लिए इनकी प्रायोरिटी कुछ नहीं है, कर्मचारी इनके सबसे निम्न स्तर पर है। तो सर, जैसे आपने अभी बोला कि कर्मचारी सबसे निम्न स्तर पे हैं, तो इतने सारे कर्मचारी हैं पूरे भारत में, तो आप क्या संदेश उन लोगों को देना चाहेंगे कि अपनी अपने हित में अपने आप की आवाज़ को बढ़ाएं? तो इस चीज़ के लिए आप उन कर्मचारियों को जो बोल नहीं पाते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही संदेश देना है कि हमने कभी भी कुछ भी हमें आसानी से नहीं मिला है। जब कुछ भी मिला भी है हमको तो हमको संघर्ष करना पड़ा है और बिना संघर्ष के हमको न कुछ मिला है न ही आगे कुछ मिलेगा। इसलिए हमारा यहाँ से आह्वान है पूरे संपूर्ण इस प्रदेश के कर्मचारियों को और देश के कर्मचारियों को, संघर्ष के लिए एकजुट हो जाएं, एकजुट होकर के संघर्ष करें तभी कुछ मिलेगा, वरना ये सरकारें हमको कुछ देने वाले नहीं है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज की खबर में बस इतना ही। मैं इशिता नथानी कैमरामैन सचिन के साथ न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क, धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी आवाज हमारी।